तो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सालसानी पे। और बताइए आप सब कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग जहाँ रहना स्वस्थ मस्त अच्छे ही रहना। तो अभी सुबह हो चुका है, आज है भैया एक तारीख के ब्लॉग में आप सभी का एकदम मस्त मस्त स्वागत है। और यहाँ पे अभी सालू जी आज फिट है, एकदम ठीक है। ऐसे लग रहा है कि इनका जो बेबी आने वाला है, होने वाला है, बहुत समय लेगा। और हम लोग तो इंतजार करते करते पागल हो चुके हैं। बाबू जो है खूब मस्ती से खा रहा है। दादा लल्लू चुम्मिया दे दे, ये चुकुगा दे, हमकी दे, नाम नाम छोल ले ना। इतना जा ला इधर तू, तो अभी यहाँ पे सभी लोग जो है चाय वही पी रहे हैं। तो बस यही इंतजार हो रहा है, बेबी कब होगा, बेबी कब होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनका दुख कब कटेगा भैया। चलो अपना एंट्री दीजिए, कुछ अपना दुख तकलीफ सुनाइए। का सुनाए दोस्तों, मेरा बाबू पता नहीं कब आएगा। का बस जैसे हम एक में भैया पितर पक्ष में बहुत झगड़ा होला। हम अपने सालू जी से खूब झगड़ा करब, कहां से पितर पक्ष चढ़ावा, बड़ी मार मारेंगे हम। तो दोस्तों अभी चाय वाय पी चुके हम लोग और खाना वाना बन रहा है। और आज हमारे घर पे जो है गैस खत्म हो गया था सुबह सुबह, तो गैस वैस भरवा के अभी लाए हैं। तो प्रिय भाभी अभी खाना बना रही हैं। और भाभी सालू जी का बाबू कब होगा बताइए जरा हमको। अब दोस्तों ये तो भगवान ही जानेंगे कि सालू का बेबी कब होगा, लेकिन 9 तारीख को डेट है, देखते हैं 9 तारीख को होता है कि 9 तारीख आज से 9 दिन कि 9 तारीख पहले गई है वर्मा का जाने नवरात्र में आ जाता तब का हुए? पितर पक्ष में तो कहा दिख पा रही जाए दोस्तों, अगर पितर पक्ष में होगा तब क्या होगा हम लोग को मालूम नहीं है। का पूजा पड़े दोस्तों, कान के नंदर का पानी पिए पड़ दे तो मैया दोस्तों आप लोग कमेंट बताइए 27 तक किसे कहते हैं और इसमें बच्चे हो जाते हैं तो क्या क्या नुकसान क्या क्या फायदा होता है, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। हम लोग को तो मालूम नहीं है तो आप लोग कमेंट में बताइए। तब तो पूजा भाई भाव है ना पितर पक्ष में। हाँ रती में तो भाई है, 1 बजे रती है, 1 बजे आज की तारीख है अभी क्या। भगवान 15 तारीख के बाद इनका बाबू हो तो बहुत खुशी मिलेगी, नहीं तो क्या बता। लगा था पितर पक्ष में आए, पितर पक्ष में करें तब तो बहुत पूजा करे। बताई कहा है हम में लाया था पितर पक्ष में आए, कोनो हमारे घर एक बुजुर्ग जो है जन्म लेंगे। हाँ, सही बात की नहीं। दादी दादा का जान तोरे क्यों आवे तब, ऐसा हो सकेला न। पितर पक्ष में जो मरत है तो बहुत अच्छा दिन रहता है, लिए गेट खुला रहता है हमेशा के लिए। जन्म से आओ अच्छा दरवाजा खुला ला पितर पक्ष, आओ जाओ सनम। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। और आप सब बताइए अपना अपना राय दीजिए, अगर पितर पक्ष में इनका बाबू होगा तो बहुत बड़ी मुसीबत आएगी हमें लग रहा है ऐसे ना। बाय बाय।